पांच सूत्रीय मांगों को लेकर रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश की आगामी 4 जुलाई को चक्का जाम की चेतावनी दी है। शुक्रवार को रोडवेज कार्यशाला में एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में रोडवेज कर्मचारियों की बैठक में अपर महामंत्री कृष्णचंद्र श्रीवास्तव, क्षेत्रीय संगठन मंत्री कैलाश प्रसाद, क्षेत्रीय मंत्री जयप्रकाश दुबे, मनोज तिवारी, शाखा मंत्री क्षेत्रीय कार्यशाला अजय कुमार, राम नरेश सिंह मौजूद रहे। संगठन का कहना है कि प्रमुख सचिव परिवहन द्वारा 8 अप्रैल को समझौता के तहत 10 दिन का समय दिया गया था, लेकिन 2 माह बीत जाने के बाद भी अब तक समझौते में हिला हवाली हो रही है, जिसके कारण रोडवेज कर्मचारी काफी आक्रोशित हैं। रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद का कहना है कि विगत 3 वर्षों से लगातार आय में वृद्धि 122 करोड़ के शुद्ध लाभ में है, लेकिन परिवहन विभाग हमारी मांगों को पूरा नहीं कर रहा है, इसलिए मजबूर होकर हमें आंदोलन करना पड़ रहा है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बातचीत करते वे शाखा मंत्री क्षेत्रीय कार्यशाला अजय कुमार और अपर महामंत्री रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद कृष्ण चंद्र श्रीवास्तव ने कहा। मंत्री जी से सुबह 8:30 बजे एक मीटिंग हम लोगों की जो है तालुका, जिसके लिए लखनऊ हमारे जो सीनियर पदाधिकारी हैं सबको लखनऊ बुला लिया गया है। मुझे भी लखनऊ भी आज शाम तक लखनऊ पहुंच जाऊंगा और लखनऊ पहुंच करके आंदोलन की कमाल हम लोगों को संभाल लेनी है और आंदोलन तीव्रतम आंदोलन होगा, जिसकी हम की रणनीति यह है कि इस बार हमको आदेश की कापी चाहिए। हम मंत्रिमंडल से ला करके और मंत्रिमंडल से पास नहीं करा देंगे। क्या कार्य करते हैं निगम से की बेहतरी के लिए हम काम करते हैं और निगम के बेहतरी में ही हमारी बेहतरी है, हम सुनिश्चित करते हैं। और हाँ, हम लोग 4 जुलाई को चक्का जाम मध्य रात से 12 बजे रात को होगा, 48 घंटे का चक्का जाम होगा। अभी भी समय है, सरकार हम लोगों की मांगों को मान ले। हम लोग सरकार से कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं करना चाहते हैं जो हमारे विभाग के लिए अनहित में हो। हम लोग सुचारू रूप से संगठन चलाते हैं, विभाग चलाते हैं, विभाग ही हमारा जीवन का वो है। सरकार द्वारा बार बार लिखित समझौता होने के बाद भी माननीय आराधना शुक्ला जी, माननीय परिवहन मंत्री जी द्वारा हम लोग को लिखित आश्वासन दिए कई बार हुआ, उसके बाद इन्होंने हिल्ला हवाली किया, ये अपनी बातों से मुकर रहे हैं। इसलिए हम लोग बाध्य होकर, हमारे प्रांत के प्रतिनिधि लोग, उन्होंने 4 तारीख को मध्य रात से 12 बजे रोडवेज का चक्का जाम करने का निर्णय लिया है। हम उसमें समर्थन करते हैं, हमारे क्षेत्रीय कार्यशाला शाखा के सभी कर्मचारी उसमें भाग लेंगे, उसका पुरजोर समर्थन करेंगे। जो भी कार्रवाइयाँ होगी हम उस पर पालन करेंगे। अगर सरकार द्वारा या किसी अधिकारी द्वारा हमारे कर्मचारियों को उत्पीड़न किया गया तो उससे पहले भी हम हड़ताल पर जा सकते हैं, इसमें कहीं दो राय नहीं है। हमारी मांगे हैं 1/16 से 7वां वेतनमान दिया जाए, संविदा कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन मान दिया जाए, 2001 से जो संविदा कर्मचारी हैं उनको नियमित किया जाए, कार्यशाला में कर्मचारी भर्ती किया जाए, मृतक आश्रित भर्ती किया जाए, ACP पर लगी रोक उसको चालू किया जाए। हमारी 5 सूत्री मांगे हैं, उसमें बहुत चीज़ें हैं। इसको लेकर हम 4 तारीख को मध्य रात से चक्का जाम करेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। सरकार हमारी मांगों को मान लेती है तो सही है, नहीं तो हम इसके खिलाफ आंदोलन करने के लिए एकदम बाध्य हो गए हैं, आंदोलन करेंगे। अजय कुमार, क्षेत्रीय कार्यशाला शाखा मंत्री अजय कुमार नाम है हमारा। हम लोग परिषद के सिपाही हैं, परिषद ही हमारा वो है, हम कर्मचारी हित के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे, चाहे हमें जो भी कुर्बानियां देनी पड़े देने के लिए हम तैयार हैं। अब हम मजबूर हो गए हैं सरकार से लड़ने के लिए।
माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने 10 अप्रैल को हमारा जो समझौता हुआ था माननीय प्रमुख सचिव से और हमारे प्रबंध निदेशक ने, दोनों आदमियों ने अलग अलग समझौता किया था और हमें आश्वासन दिया था कि 10 दिन के अंदर हम आपके मांगों पर सकारात्मक निर्णय लेंगे, आपको 7वां वेतनमान दे देंगे, संविदा कर्मचारियों को न्यूनतम वेतनमान देंगे, वेतन विसंगतियों को दूर करेंगे, ACP जो हमारा रुका हुआ उसका हम लाभ देंगे। लेकिन 10 अप्रैल को समझौता होने के बाद और उस समझौते में उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा है कि 10 दिन के अंदर सारी समस्याओं का समाधान करा दिया जाएगा, लेकिन 10 अप्रैल से शायद लगता है कि अभी कैलेंडर में प्रमुख सचिव के और माननीय परिवहन मंत्री के कैलेंडर में अभी 10 अप्रैल से 10 दिन नहीं व्यतीत हुआ और 2 महीने का समय बीतने जा रहा है। 10 अप्रैल से 10 मई 10 जून 2 महीना बीत गया, तीसरा महीना 10 जुलाई भी करीब आने वाला है। ऐसे स्थिति में हमारे परिवहन निगम के कर्मचारी पूरी तरह आक्रोशित हैं और हम लोगों ने पुनः एक बार आंदोलन का मन बना लिया है। हमारे पास अब कोई रास्ता शेष नहीं है, हम आंदोलन का बिगुल बजा चुके हैं। 4 तारीख के मध्यरात से पूरे उत्तर प्रदेश परिवहन निगम का एक एक पहिया जाम हो जाएगा, हम चक्का जाम करेंगे, आंदोलन करेंगे। और अगर उसके पहले भी शासन और प्रशासन ने कोई हठधर्मता अपनाया, कहीं कोई काला कानून लाने का प्रयास किया, हमारे साथियों को डराने धमकाने का प्रयास किया, तो यह आंदोलन कभी भी शुरू हो सकता है, इतनी समय से भी शुरू हो सकता है। हम पूरी तरह से तैयार हैं और हम आंदोलन का बिगुल बजाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ज्ञापन को लिया है, सकारात्मक उन्होंने आश्वासन दिया है समाधान का, और देखिए हम लोग इंतजार करेंगे। हम लोग एक अनुशासित संगठन के अनुशासित सिपाही हैं, 4 अप्रैल को हम लोग मध्य रात्रि तक इंतजार करेंगे। हमारा उद्देश्य नहीं है कि हम इस सरकार के से को का नाम है बेनकाब करें या सरकार जो मजदूर विरोधी कार्य कर रही है, हमारा कहीं उद्देश्य नहीं है कि हम इस उद्योग में कहीं अशांति फैलाएं। माननीय मुख्यमंत्री जी अभी कुछ दिन पहले हम सार्वजनिक रूप से यह घोषित कर चुके हैं कि हम 122 करोड़ शुद्ध लाभ में हैं। पिछले 3 साल से हम शुद्ध लाभ दे रहे हैं, 122 करोड़ के लाभ में हम हैं और 122 करोड़ के लाभ में होने के बावजूद भी हमें 7वें वेतनमान से वंचित रखा जा रहा है, हमारे कर्मचारियों को वाजिब बातें नहीं दी जा रही हैं। इस नाते हम आंदोलन की स्थिति में हैं और 4 तारीख से मध्यरात से उत्तर प्रदेश परिवहन निगम का चक्का बंद होगा, हमारा आंदोलन होगा और यह आंदोलन 48 घंटे के लिए होगा और 48 घंटे के अंदर अगर हमारी मांगों को नहीं मानी जाती हैं तो यह आंदोलन आगे चल के अनिश्चितकालीन हड़ताल में भी बदल जाएगा, जिसकी सारी जिम्मेदारी इस सरकार की होगी, निगम प्रबंधन की होगी। क्या नाम है आपका? क्रिश्चन श्रीवास्तव, अपर महामंत्री रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश, कैंप गोरखपुर।